हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस और अग्रवाल कंसल्टेंट्स। आज हम देखेंगे प्लेक्स काउंसिल, यानी कि अगर आपको प्लास्टिक एक्सपोर्ट करना है तो उसका आरसीएमसी कैसे लेना है। तो प्लास्टिक एक्सपोर्ट करने के लिए आपको प्लेक्स काउंसिल का आरसीएमसी यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होता है। उसमें आप ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कवरिंग प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक फिल्म शीट्स और प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक वोवन सेक्स फैब्रिक्स बैग्स फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स वगैरह प्लास्टिक एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसकी जो और ज़्यादा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, प्लास्टिक टर्पोलिन्स, प्लास्टिक कंज्यूमर आइटम्स, पीवीसी लेदर, क्लोथ फॉर्म लेदर, यानी कंज्यूमर आइटम्स यानी कि प्लास्टिक के डब्बे डब्ले डुब्ली होते हैं जो रसोई घर में या टॉयलेट में यूज़ होते हैं वो सारे, फ्लोर कवरिंग्स, फिर इंक्लूजिंग लिनोलियम्स, मोल्डेड सॉफ्ट लगेज, पीआरपी जीआरपी प्रोडक्ट्स, पीवीसी रिजिड फ्लेक्सिबल पाइप फिटिंग्स, टॉयज डोल्स एंड गेम। आपको अगर खिलौने भी एक्सपोर्ट करने तो प्लेक्स काउंसिल का लगेगा, प्लास्टिक इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, लैमिनेट्स, फिश नेट्स, फिशिंग लाइन्स, कॉर्डेज रोप्स, ट्वाइंस, यान ब्रिसल्स, पीवीसी फैब्रिकेटेड गुड्स, पीवीसी शीटिंग फिल्म, इंट्रोक्यूलर लेंसेज, स्पेक्टिकल फ्रेम्स, हार्ड रेसिलियंस लेंसेज, गोगल्स, पॉली लाइन्स, ज्यूट गुड्स, डिस्पोजेबल सिरिंज, ब्लड यूरिन बैग्स, आईवी सेट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स एंड अदर मेडिकल डिस्पोजेबल्स, साइन एक्सरे फिल्म्स, प्लास्टिक बैंगल्स, इमिटेशन ज्वेलरी एंड ऑल प्रोडक्ट्स मेड प्रीडोमिनेंटली ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स थ्रू इंजेक्शन, ब्लो मोल्डिंग, एक्सक्रूशन, कैलेंडरिंग, फैब्रिकेशन एंड अदर प्रोसेसेस, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ह्यूमन हेयर एंड प्रोडक्ट्स देयर ऑफ। तो प्लास्टिक की ये जो सारी प्रोडक्ट है उसके लिए आपके प्लेक्स काउंसिल का आरसीएमसी लेना होता है। और उसका आरसीएमसी कैसे लेना होता है वो हम सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है, प्लेक्स काउंसिल PLEXCONCIL गूगल में ही लिखिए, डायरेक्ट .org भी कर सकते हैं लेकिन अभी गूगल में कीजिए प्लेक्स काउंसिल या फिर प्लास्टिक RCMC, ऐसा भी आप लिख सकते हो प्लास्टिक RCMC। तो प्लेक्स काउंसिल की वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें आपको होम पेज में जाना है जहाँ पे आपको यहाँ पे मेंबर सेक्शंस में जाना है, plexcouncil.org है, इसमें उसका ऑर्गेन अबाउट है, यहाँ पे मेन होम पेज है, इस तरह से आपका होम पेज मिल जाएगा आपको। मेंबर्स सेक्शन में यहाँ पे मेंबर्स में जाना है, फिर मेंबर्स सेक्शन में जाना है, फिर यहाँ पे न्यू मेंबर करना है, मेंबर सेक्शन में न्यू मेंबर, फिर यहाँ पे न्यू मेंबर्स के बेनिफिट्स दिखाए गए हुए हैं, डिस्काउंटेड फीस एट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, डिसेमिनेटिंग ट्रेड इंक्वायरीज, असिस्टेंस ऑन एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग विद वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, लिस्टिंग ऑन प्लेक्स काउंसिल मेंबर्स डायरेक्टरी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इंस्टीट्यूट एक्सपोर्ट अवार्ड्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर, वो सारे हैं। फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर मेंबरशिप क्लिक करना है, अप्लाई फॉर मेंबरशिप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लिखा है सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद इन 15 डेज एल्स एंट्री विल बी डिलीटेड। तो सबसे पहले आपको आईसी कोड डालना है, आपको सबमिट करना है, यहाँ पे लिखा है आईईसी इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस, प्लीज फिल विद द रजिस्टर्ड फॉर्म, वी विल रीडायरेक्ट यू टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले जाएंगे, तो रजिस्टर करना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ये सारी डिटेल्स। फिर एस्टैब्लिशमेंट डेट डालनी है, जब आपकी कंपनी नई बनी थी उसको एस्टैब्लिशमेंट डेट कहते हैं, जिस दिन बनी। सीन नंबर आपको डालना है, हालांकि
प्लास्टिक एक्सपोर्ट करने के लिए आपका कंपनी होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने सिन नंबर हमेशा कंपनी का ही होता है, फिर भी उन्होंने मांगा है तो आपको देना पड़ेगा। तो नहीं है तो आपका पार्टनरशिप का एक कोई भी नंबर दे दीजिए, 1-2-3। फिर GST नंबर भी कंपलसरी मांगा है क्योंकि यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड डालना है, IC इश्यू डेट डालनी है जो आपके IEC पे मिल जाएगी, 5/9/2019। फिर पैन नंबर डालना है, पैन डेट डालनी है। अब वो पैन डेट ये लोग क्यों मांगते हैं समझ में ही नहीं, क्योंकि पैन डेट तो उनके पास आपके पास तभी होती है जब पैन कार्ड जब इश्यू होता है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लेटर आता है उसमें। फिर यहाँ पे आपको डालना है मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर या बोथ। यार आप मैन्युफैक्चरिंग करके खुद मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हो तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर डालना है, और किसी से खरीद के बेचते हो एक्सपोर्ट करते हो तो मर्चेंट एक्सपोर्टर डालना है। बोथ हो तो दोनों हो तो बोथ करना है। फिर आपको ये पूरा एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालना है। तो मैं एड्रेस डिटेल्स में टाइम जाया नहीं करूँगा, यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। इस तरह से एड्रेस डाल के आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे पूरे एड्रेस आ गए, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, फिर आपके पत्राचार का एड्रेस यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर फैक्ट्री एड्रेस, ब्रांच एड्रेस, और नेक्स्ट करना है। वेबसाइट एड्रेस रिक्वायर्ड है तो आप अपनी यूट्यूब चैनल है तो उसको डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट दबाना है। फिर आपको टर्न ओवर मेंबर डिटेल्स डालनी है, अगर आपकी कोई मेंबरशिप है तो मेंबरशिप डिटेल्स में आप वो 0 खाली भी रख सकते हो क्योंकि उसमें कंपलसरी नहीं है। एक्सपोर्ट हाउस, फिर ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस वगैरह, फिर नील टर्नओवर आपको दिखाना हो नील टर्नओवर। यहाँ पे CA का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, हालांकि कई और जो होता है RCMC उसमें ये ज़रूरी भी हो सकता है। ये प्लास्टिक का है तो उसमें ज़रूरी नहीं है। SSAI हो तो आपको डाल देना है, नहीं हो तो नहीं डालने का है। अब एक बार सिलेक्ट कर दिया तो फिर डालना ही पड़ेगा। कुछ भी आप ऐसे डिटेल्स डाल सकते हो। फिर यहाँ पे सिलेक्ट और पैनल फ्रॉम बिलो, आपकी इसमें भी बहुत सारी पैनल है प्लास्टिक में भी, तो आपको क्या चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसकी अलग अलग पैनल बनाइए। कंज्यूमर एंड हाउस हाउसवेयर, कॉर्डेज एंड फिश नेट्स, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक्स, फ्लोर कवरिंग्स, लेदर क्लोथ एंड लेमिनेट्स, मिसलेनियस प्रोडक्ट्स, ह्यूमन हेयर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, पॉलिएस्टर फिल्म्स, रॉ मटेरियल्स एंड पॉलीमर्स, रिजिड पैकेजिंग एंड प्री फॉर्म्स, वोवन सैक्स एंड फिप्स, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें एक साथ ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक ही सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपको जो जो प्रोडक्ट है उसका HSN कोड टाइप करना है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप चला गया, शायद बैक जाना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे आपको HSN कोड डालना है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, तो फिर आगे तो बढ़ ही सकते हैं हम। और मेन लाइन ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे लिखना है, प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट के HSN कोड डाल सकते हो, शायद कंपलसरी भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो और भी कुछ प्रोडक्ट आपको डालनी ज़रूरी है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने सजेस्ट कर दी है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म,
एडिटिव मैचिस, इस तरह से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसमें से आपको कैटेगरी लेनी है। फिर मेन लाइन ऑफ बिजनेस प्लास्टिक एक्सपोर्ट, जो आपका मेन बिजनेस हो वो सेट कर, उसका नाम लिखना है। फिर मेंबर्स डिटेल्स डालनी है, प्रोप्राइटरशिप है, HUF है, LLP है, पार्टनरशिप है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो प्रोप्राइटरशिप इज ऑथोराइज पर्सन, वही बंदा ऑथोराइज पर्सन है तो हाँ बोल देना है। यहाँ टिक करोगे तो फिर दूसरी बार ऑथोराइज पर्सन की डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। डायरेक्टर, डायरेक्टरशिप आपको जो IC के हिसाब से डालनी है, IC में जो डायरेक्टर डाला हो। तो ये मैं पॉज करके पूरा भर के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से पूरी डिटेल्स डाल देनी है, ऑथोराइज पर्सन जो डायरेक्टर IEC के हिसाब से, फिर कॉन्टैक्ट पर्सन इज ऑथोराइज पर्सन ऑल्सो, फिर उसकी पूरी डिटेल्स डाल देनी है, फिर नेक्स्ट में जाना है। फिर यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले IEC कोड आपको अपलोड करना है, तो IEC सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये अपलोड हो गया। फिर डायरेक्टर्स लिस्ट आपको अपलोड करनी है, फिर पैन कार्ड अपलोड करना है, स्टेटस होल्डर कुछ हो तो अपलोड करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डायरेक्टर्स लिस्ट, पैन कार्ड वगैरह, ब्रांच एड्रेस वगैरह प्रूफ अपलोड करने हैं, ठीक है। इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। मेरे 3 डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, IC, पैन कार्ड और ब्रांच एड्रेस। अब शायद मेरे पास CA का सर्टिफिकेट नहीं है, ना मैं होल्डर हूँ, तो मैं शायद नेक्स्ट बटन दबाऊँगा और पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी, जो आपने यहाँ तक भरी है पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। मेंबरशिप डिटेल्स, फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। डायरेक्टर की लिस्ट देनी है, आला की लिस्ट में तो मैं ही हूँ अकेला। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर RCMC आप ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।